हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए, सो क्या है हमारा आज आज हो गई हमारी पॉपुलेशन तक रिप्रोडक्टिव का हेल्थ का कंप्लीट बेसिक जो था वो सब खत्म। कि जैसे कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना, कि मतलब पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा कि बेसिक रिप्रोडक्टिव हेल्दी बंदे किसको बोलते हैं, पर्सन कौन होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि उसमें गवर्नमेंट ने कि पूरे सोसाइटी को एक तरीके से रिप्रोडक्टिव रखने के लिए कितने सारे प्लानिंग वगैरह किए पॉपुलेशन। और उसके बाद पढ़ा कि हमने पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए कि जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही थी तो वो किस वजह से हो रही थी, अगर वो हो रही थी तो गवर्नमेंट ने क्या क्या उपाय किए कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या हो जाए, हमारा कम हो जाए, बैलेंस हो जाए। और उसके बाद फिर हमने देखा कि इंडिया और देश पूरे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में हमारा देश कितना पॉपुलेटेड है, ये सब हमने देख लिया। अब है बेसिकली कि जितना हमने क्या कहा कि आगे हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन ग्रोथ को या पॉपुलेशन को या फिर किसी के कॉन्ट्रासेप्शन को कि दो बच्चे के बीच में गैप या फिर कम बच्चे रखने, दो टू मतलब टू वी टू आवर टू, ये सब जितने स्लोगन थे वो सब चीज़ के लिए क्या है अब है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का बेसिकली कहने का मतलब कि आप बैरियर कि उसको रोक कैसे सकते हो, तो उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, देखो तो अब हो गई ये हमारी है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली किसको बोलते हैं, देखिए मैं एनसीईआरटी में दिखा रही हूँ। देखिए क्या है वो, तो इसमें सीधे कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब नहीं दिया हुआ है, इसमें बहुत सारा दिया हुआ है। उससे पहले एक पेज पहले है, ऊपर ये पेज नंबर है 59। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, ईजिली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल विथ नो, यही जो लिखा हुआ है। कॉन्ट्रासेप्शन का हिंदी मीनिंग मुझे भी नहीं पता है, मतलब कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली आप लोग ऐसे कर दो ना जैसे कि कॉन्डम वगैरह होते हैं, तो हमें बेसिकली आपको उतना नहीं पता है, नॉर्मल लोगों को कॉन्डम पता है लेकिन बहुत सारे मेथड्स होते हैं। और नॉर्मल लोगों को ये भी नहीं पता है कि लेडीज के लिए भी कॉन्डम आता है, बस नॉर्मल लोगों को पता है कि फीमेल के लिए नहीं, बस मेल के लिए, आदमियों के लिए कॉन्डम आता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि फीमेल में कौन सा कॉन्डम होता है और मेल का कौन सा कॉन्डम होता है। और अगर आप कॉन्डम नहीं यूज करना चाहते हो फिर भी आप चाहते हो कि कुछ दिन तक मां नहीं बनना, तो उसके भी बहुत सारे ऑप्शन है, समझ गया। चलिए तो वही है कि आपका कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, तभी लोग क्यों उसको अट्रैक्ट करेंगे, लोग क्यों उसको यूज करेंगे, जब उसका कुछ बेनिफिट है उसका। जितना वो लोग किसी चीज को आप यूज करने कोई सामान खरीदने जाते हो तो ताल मटोल करते हो ना कि हमें भाई ये चाहिए ये चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, तो वो सब आप चेक करते तब लेते हो ना। तो इसका ही है प्रॉपर्टीज क्या है, यूजर फ्रेंडली का मतलब है कि यूजर फ्रेंडली का कहने का मतलब हो गया कि देखो बहुत सारे मशीन, ये क्या बोलते हो आपको मशीन, ये जो टेक्निक वगैरह होती है या फिर इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर्स के द्वारा जो किया जाता है वो सब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब ये यूजर फ्रेंडली कहने का मतलब है कि आप मुश्किल होती है, यूजर फ्रेंडली खुद से यूज कर लोगे। हाँ, कि यूजर फ्रेंडली का कहने का मतलब है कि जैसे कि कोई बंदा नहीं भी पता है तो इंस्ट्रक्शन देख के कर ले, उसको यूजर फ्रेंडली बोलते हैं कि इसके लिए एक अलग से आपको डॉक्टर रखने की कोई जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, अब इजी अवेलेबल, इजिली अवेलेबल का मतलब हो गया कि आप किसी भी स्टोर से इसको जाके खरीद सकते हो। अभी क्या है कॉन्डम, आप किसी भी केमिस्ट स्टोर में जाओ मिलेगी ही मिलेगी, भले ही हम लोग शर्माते हैं नहीं जाते हैं लेकिन केमिस्ट वाले रखते हैं ये, समझ गए। अब है इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विथ लेजर साइड इफेक्ट और नो नॉट, मतलब बोला जा रहा है कि इफेक्टिव हाईली इफेक्टिव होना चाहिए और इसके बाद रिवर्सिबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार यूज कर लिया मतलब एक बार रख लिया तो परमानेंट। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, क्या होता है कॉन्डम, कॉन्डम होता है कि अब एक बार यूज करना है यूज कर लिया फिर उसको निकाल के हटा देते हो ना, तो वही। और ये है, अब एक नॉर्मल सा मैं एग्जाम्पल ही दे दूँ अभी आपको नॉर्मल ये लाइन समझाने के लिए, एक मिनट में। तो कॉन्डम को लेके चलते हैं, लेकिन बहुत सारा है अभी इसको लेके चलते हैं। ठीक है, ये वर्ड सुना होगा आप सबने। हाँ, देखो क्या प्रॉपर्टीज इसका है, यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, बहुत को नहीं पता है लेकिन ये यूजर फ्रेंडली होता है, ईजिली अवेलेबल है हर मार्केट के शॉप, मतलब जितने भी दुकान होते हैं दवाई की दुकान केमिस्ट शॉप होती है उससे आराम से मिल जाता है। इफेक्टिव होती है रिवर्सिबल विथ लेजर, मतलब ये 100% ये सेफ नहीं होता कि 100% आपको नहीं होगा, 0.5 मतलब 99% होता है और 1% चांसेस होते हैं कि आप यूज़ करने के बाद भी प्रेग्नेंट हो जाओ, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये इफेक्टिव है 99%, समझ लो बहुत इफेक्टिव है। उसका रिवर्सिबल है, खुद से यूज़ करो खुद से निकाल दो, विथ लीगल साइड इफेक्ट। इसका कोई अब साइड इफेक्ट कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई STDs वगैरह है किसी को, चाहे कोई प्रॉब्लम है कोई STD डिजीज है, तो उसका साइड इफेक्ट उसको नहीं होगा ना, कोई उसका इसके वजह से ऐसा नहीं हो जाएगा कि हाँ कि इचिंग वगैरह होने लगी चाहे जो होने लगी थी, ये साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होती।
और उसके बाद इट शुड ऑल्सो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों के अंदर गलत धारणाएं हैं इस धारणाओं को लेकर. इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विथ द सेक्सुअल ड्राइव और डिजायर. बोला जा रहा है कि लोगों के दिमाग में ये होता है, कपल बहुत सारे कपल ये कॉन्डम यूज इसलिए नहीं करते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर मैं कॉन्डम यूज़ करूँ तो मेरी जो सेक्सुअल डिजायर है, मतलब जो चाह है, उतना जो होता है ना सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जो मन को सेटिस्फाई करने वाली, वो नहीं हो पाएगी. तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता. यही इसीलिए लिख दिया है कि इट शुड ऑल, मतलब इट ऑल्सो शुड नो, देखो नो इंटरफेयर, इसका कोई भी नहीं है. अगर आप वो यूज़ कर लेते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका जितना मतलब एक डिज़ायर हर चीज़ के, क्या बोलते हैं हिंदी नहीं पता मुझे, हर चीज़ का एक डिज़ायर तो कंप्लीट होता है ना कि हाँ मुझे ये चाहिए, चाह होती है. तो उतनी चाह नहीं हो पाएगी, ये लोगों के बीच में धारणाएँ होती है. इसीलिए लोग क्या बोलते हैं कॉन्डम यूज़ नहीं करते. और लेडीज़ क्या करती है, अगर मतलब मां नहीं बनना होती तो पिल्स ले लेती है. वो पिल्स आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं, ये पिल्स भी हमें पढ़ना है. तो हमेशा पिल्स भी नहीं लेनी चाहिए. तो वही है, तो इससे आपको कोई भी, आपको सेक्सुअल ड्राइव में और डिज़ायर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. नॉर्मल जैसे हो वैसा ही रहेगा. समझ गए? चलिए इसी का है NCERT, यहाँ पे पढ़ लो. ये लिखा हुआ कि हो गया हमारा कि यहाँ पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है. इट ऑल्सो इन नो, ये लिखा हुआ है वे टू इंटरफेयर सेक्सुअल ड्राइव, कोई सेक्सुअल ड्राइव का नहीं करता. डिजायर और सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर. ए वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मैटर आर रिप्रेजेंटेड अवेलेबल विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इन टू द फॉलोइंग कैटेगरी. अब बोला जा रहा है कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड का बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, वो हमें देखना है कि एक तो नेचुरल, जैसे मैंने बताया था नेचुरल, जो माँ बनेगी, माँ बनने के बाद लेडी 6 महीने तक प्रेगनेंट नहीं हो सकती. तो वो तो नेचुरल भगवान ने दिया ना उसको, कि नेचर ने ही उसको प्राप्त कर दी. जब तक बच्चा 6 महीने का है तब तक वो लेडी मतलब कितना भी रिलेशन बना ले, वो मेंस्ट्रुएशन होएगा ही नहीं. मेंस्ट्रुएशन होने का मतलब है बच्चे के लिए घर बनेगा ही नहीं. तो कितना भी ओवुलेशन होएगा तो उससे घर है ही नहीं, तो रहेगा कहाँ बच्चा. समझ रहे हो? और दूसरा है उसी को ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, मैं लिखवा रही हूँ अभी एक एक करके, ठीक है. दूसरा है बैरियर मेथड, बैरियर वही रोकना कॉन्डम. उसके बाद IUDs, जो IUDs जो होती है वो डॉक्टर के रिस्पेक्ट में ही, डॉक्टर ही यूज उसको इम्प्लांट करती है, क्या बोलते हैं फीमेल के यूटरस में. उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कहने का मतलब दवा, जो मैंने अभी बताया ना पिल्स लेती है लेडीज, वो दवा है. इंजेक्टेबल, बहुत सारे क्या होता है कि ये इंजेक्ट, जैसे IUDs एक अलग हुआ, इंजेक्टेबल मतलब होता है ना ये स्किन के अंदर ये रिपोर करके कुछ लंबे लंबे से स्टिक्स होते हैं कॉपर के, उसको क्या करते हैं स्किन के अंदर पोर कर देता है, वो हार्मोन सिक्रीट करता रहता है जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटीज हो जाती है. और उसके बाद एबनॉर्मलिटीज मतलब कहने का मतलब बॉडी में नहीं, जो कोई होता है, कोई इंजेक्टेबल होता है जो ओवुलेशन नहीं होने देता है, कि हार्मोन सिक्रीट करता है तो ओवुलेशन नहीं होने देता है. कोई होता है तो वो क्या करता है, ओवुलेशन हो गई फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म को जाने नहीं देगा. कोई होगी जो क्या कहते हैं इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, वो वाले एबनॉर्मल बोल रही हूँ मैं, ठीक है. और उसके बाद ये है, और उसके बाद इम्प्लांट वही जो इंजेक्टेबल जो वैक्सीन या इम्प्लांट और सर्जिकल मेथड. एक होता है सर्जिकल मेथड जिसको हम नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं कि मतलब ऑपरेशन, जैसे होता है ना कि माँ बन गई जितनी भी बच्चा पैदा करना कर लो, उसके बाद हॉस्पिटल में जाके वो नहीं बोलता है बच्चा बंद कराने वाला, नसबंदी जिसको बोलते हो, तो वो उसको बोलते हैं हम सर्जिकल मेथड, ठीक है. उसमें भी आप मेल भी करा सकते हैं, फीमेल भी करा सकती है, दोनों के लिए होता है, ठीक है. चलिए ये सब हमें आज यही सब पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है. अगर सारा नहीं हो पाएगा फिर भी, क्योंकि आइडियाज थोड़ा बड़ा है, देखते हैं जहाँ तक हो जाए. चलिए नोट कर लो ये, चलो ठीक है. सबसे पहले देखते हैं टेम्प्रोरी मेथड. टेम्प्रोरी का मतलब वो क्या है, क्या बोलते हैं ये परमानेंट नहीं है कि आप इस दोबारा रिवर्स कर सकते हो, ठीक है. तो टेम्प्रोरी मेथड में सबसे पहले है नेचुरल मेथड आता है. नेचुरल मेथड में हमारा है दिस मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग. बोला जा रहा है कि ये बेसिकली क्या है कि स्पर्म एंड ओवम की मीटिंग, बेसिकली स्पर्म ओवम की मीटिंग का कहने का मतलब है इसका फर्टिलाइजेशन, ठीक है, टू अवॉइड फर्टिलाइजेशन. दोनों मीट कर जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी ना. हाँ, तो ये फर्टिलाइजेशन को क्या कर रहा है आपका, बंद कर रहा है, अवॉइड करने के लिए, ठीक है. इसमें कितने मेथड्स होते हैं, इसमें होता है कि एक होता है रिदम मेथड. रिदम मेथड क्या मतलब, इसको आप बेसिकली नॉर्मल ई पीरियोडिक एबसिस्टेंस भी बोलते हैं. अगर आपको ये दोनों वर्ड नहीं आते तो आप ये वर्ड याद कर सकते हो कैलेंडर मेथड. इसमें क्या होता है कैलेंडर मेथड, ये मैं बताऊंगी एक एक करके हमें पढ़ना है. पहले देख लो कौन कौन से मेथड होते हैं नेचुरल मेथड में, वो देख लेते हैं. टेम्प्रेरी में नेचुरल के क्या टेम्प्रोरी के नेचुरल मेथड में होते हैं, सबसे पहले रिदम मेथड, विड्रावल मेथड और तीसरा है लैक्टेशनल एमिनोडिया, ठीक है. ये तीनों है, ये तीनों हमें अभी एक एक करके पढ़ना है, ठीक है. नोट कर लो, चलो ठीक है. सबसे पहले देखो रिदम पीरियड, ठीक है.
रिदम मेथड और कैलेंडर मेथड, ठीक है। रिदम मेथड कैलेंडर मेथड को दूसरा हम फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं, सेफ पीरियड या फर्टाइल पीरियड, ठीक है। फर्टाइल टी आई एल दिख नहीं रहा क्या, चलो फर्टाइल, ठीक है, फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये होता है बिफोर 10th डेज, 10 दिन से पहले, या फिर आफ्टर 17th डेज। क्या होता है देखो, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 दिन की, ठीक है, 28 दिन की होती है। उसमें क्या होता है कि 28 से 2 दिन आगे भी हो सकती है, 28 से 2 दिन पीछे भी हो सकती है। अगर मैंने कैसे बताया था, डे ऑफ ओवुलेशन कैसे निकालते हैं, है 28 मतलब टोटल पीरियड्स माइनस 14, जितना दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें से 14 डेज। तो देखो अगर 28 दिन का पीरियड है तो उसमें 14 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, अगर 28 में से 2 कम कर दो तो कितना बच गया आपका 26, तो 26 में से आप क्या करते हैं 14 डेज माइनस कर दो तो जितना आएगा उतना, और फिर 14 के बाद 20 ये 30, 30 में से 14 डेज माइनस कर दो तो फिर आएगा, तो वो हमारा आ गया डे ऑफ ओवुलेशन। वो निकालना मैंने पहले बता रखा है। क्या होता है इसमें, ये हमारी बेसिकली डे ऑफ ओवुलेशन हुई यहाँ पे, नॉर्मल पीरियड में था तो ये 14वां दिन 14th डेज हमारा ओवुलेशन का डे था। अब हुआ क्या हुआ, उसमें से हमने 2 दिन कम कर दिए, माइनस 2 इस साइड प्लस 2 इस साइड जाएंगे, ये दिमाग में रखिएगा, थोड़ा दिमाग को खोल के बैठे, ठीक है। इधर इधर हो गया 2 दिन कम किया था हमने, इधर हमारा 12th डेज पे फर्टिलाइजेशन होगी, ओवुलेशन होगी, और इस साइड जाएंगे तो हमारा 16th डे पे ओवुलेशन होगी, ठीक है। तो अब वो क्या है कि 12th डे पे हमारा ओवुलेशन होने वाला है, तो उससे पहले क्या है 10th डेज पे 10वें दिन पे अगर हमने इंसेमिनेशन करा, इंसेमिनेशन का क्या कहने का मतलब होता है कि आपने रिलेशन बनाई तो क्या स्पर्म आपके बॉडी में जाएगी फीमेल के, फीमेल के वजाइना में, तो 10th डेज, इसीलिए मैंने 10th यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज 17th, इसको ध्यान से देखो 10th 17th, ठीक है। 10वें दिन पे हमने किया तो 10वें दिन में क्या होगा कि इंसेमिनेशन की, तो इंसेमिनेशन करने के बाद क्या हुआ, इंसेमिनेशन करने के बाद अब ये बॉडी में चली गई आपकी स्पर्म, ठीक है, आपकी वेजाइना में चली गई स्पर्म, वेजाइना में से जाता यूटेरस अपने आप, वो स्पर्म पूरा लड़ झड़ के पूरा कहाँ चला गया, वो चला गया आपका पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन साइट तक। और स्पर्म की लाइफ होती है 2 से 3 दिन तक, देखो स्पर्म का लाइफ होता है 2 से 3 दिन तक जाके वो फर्टिलाइजेशन साइट पे जाके जिंदा रह के रह सकता है, ठीक है, वो रह गया। अब है लाइफ ऑफ ओवम, अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवम गई, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवम गई तो ओवम क्या होगा, तो यहाँ पे चांसेस क्या है ओवुलेशन के, ओवुलेशन तो हुई, फर्टिलाइजेशन है तो हाई चांसेस हो गई, चांसेस बढ़ गई ना फर्टिलाइजेशन होने के, हमें फर्टिलाइजेशन ही रोकना था क्योंकि हमें बेसिकली प्रेगनेंसी रोकनी है, तो प्रेगनेंसी को ही तो ये हो गया। अब यहाँ पे भी ओवम की लाइफ होती है, ओवम का लाइफ होता है 1 दिन, मतलब वहां पे जब हम बोल जब ओवम जाती है तो वहां पे अगर क्या कहते हैं स्पर्म रहता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, नहीं भी रहता है तो वो 1 घंटे 1 महीने दिन रुकेगी, और नहीं होगा तो फिर आपको उसके बाद डिजेनरेट हो जाएगी। तो वही है, अब 1 दिन लाइफ है ओवम की, यहाँ पे आके फिर से इंसेमिनेशन हुआ उस दिन, फिर ये फर्टिलाइजेशन कर लेगा। सो इसी के वजह से ये जो है बिफोर 10 दिन और 17 दिन, ये दोनों, ये जो होता है ना ये सेफ, मतलब कितना है ना इतना दिमाग में एकदम नेचुरल है, तो लेडीज जिसको अगर मतलब कोई मेडिसिन वगैरह नहीं यूज करनी तो वो क्या करती है, पूरा ध्यान रखती है कि उसका अपना चार्ट याद रखती है कि भाई इतने से इतने दिन मैं प्रेगनेंट मतलब मेंस्ट्रुएशन मेरा चल रहा है तो उसका पीक पीरियड क्या होगा, डे ऑफ ओवुलेशन जैसे मैंने निकालने के लिए बोला था वो निकालती है, फिर उससे 2 दिन पीछे 2 दिन आगे, ऐसे पूरा सोच समझ के पूरा कैलकुलेट करके, और उसके बीच में वो दोनों क्या करते हैं हस्बैंड वाइफ रिलेशन नहीं बनाएंगे अगर प्रेग्नेंट नहीं होना है तो, समझ गया। वही है एनसीईआरटी में, देखो इसी एनसीईआरटी को इसको लैंग्वेज में लिख दिया है, मैंने इसको एक चार्ट फॉर्म में बना दिया, आज इसको एनसीईआरटी ने लैंग्वेज में लिख दिया, देखो क्या लिखा हुआ है, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, ठीक है, एब्सिस्टेंस का मतलब हुआ इसमें है इज वन ऑफ सच मेथड इन विच द कपल अवॉइड और एब्सट्रैन फ्रॉम क्वार्टर्स फ्रॉम क्या है फ्रॉम डे 10 to 17, 10 से 17वें दिन तक फ्रॉम द ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो क्या करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल अपना पूरा, अब वो 1-2 दिन नहीं, 2-3 महीने चेक की होगी कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल एग्जैक्ट टाइम पे इतना ही पे आता है, तो इस नेचुरल मेथड ना एकदम एक्यूरेट मेथड नहीं होता, चांसेस है ये नेचुरल है, आप नेचर के साथ कर रहे हो तो थोड़ा बहुत होगा ही, तो वो क्या करते हैं एग्जैक्ट 2-3 महीने चेक की होगी कि मेरा 28 दिन का है या 30 दिन का है, ऐसे चेक की होगी उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट की होगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग 10 से 17वें दिन क्या करती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को अपना थी रिलेशन बनाना दोनों के बीच में क्या करते हैं क्वार्टर्स को अवॉइड करती है। अब उसके बाद है व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, जिस दिन ओवुलेशन एक्सपेक्टेड होता है उससे 10 से 17वें दिन का, ठीक है,
इट इज ऑल्सो इसीलिए ये कहते हैं ए चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई। अब इसमें क्या है फर्टिलाइजेशन का चांस वेरी हाई क्योंकि इसमें आप एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते, नेचर अभी भी एग्जैक्ट जैसे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली फिर भी मेंस्ट्रुएशन 28 दिन का होता है वो एग्जैक्ट फिक्स किसी का नहीं है, किसी हर लेडीज नॉर्मल नहीं होती, जब किसी कभी भी 28 दिन का बहुत कम ही होगी लेडीज इसकी होगी उससे, या फिर दो दिन पहले भी हो जाती है कम, दो दिन ज्यादा भी जो दो दिन ज्यादा भी हो जाती है कभी कभी तो मतलब 31-32 दिन का भी हो जाता है, तो वो आप जज नहीं कर सकते और वो समझ नहीं आ पाता है। डॉक्टर्स भी इसको जब लिखते हैं ना तो एक दो दिन अल्टरनेट मतलब ऊपर नीचे करके ही बोलते हैं। ठीक है अब देखो क्या हुआ, इसलिए इसकी वजह से इस पर फर्टिलाइजेशन रेट क्या है बहुत हाई है, इसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं दी चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत हाई, इसीलिए इसको कहते हैं फर्टाइल पीरियड, इसीलिए इसको फर्टाइल पीरियड भी कहा जाता है। देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम क्वार्टर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉन्सेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड, बोला जा रहा है इसीलिए अगर आप एब्सटेनिंग मतलब बोला जा रहा है कि आप इसको अवॉइड करोगे कॉन्ट्रासेप्शन, आप एक दूसरे का क्वार्टर्स को अवॉइड करोगे तो सबसे बेस्ट है क्या आपका कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, कि मतलब आप नहीं बच्चा चाहते हो तो उस बीच में रिलेशन ही ना बनाओ, समझ गया। चलिए दूसरा है विड्रावल मेथड, ये भी हम देखते हैं, ये हो गया नोट कर लो। देखिए अब है विड्रावल मेथड, ठीक है विड्रावल मेथड को हम क्वार्टर्स इंटरप्टस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली ये मेथड है मेल पार्टनर जो होता है विड्रॉ करता है हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, मतलब बोला जा रहा है कि जब दोनों रिलेशन बनाते रहते हैं तो वो जिस टाइम में उसका इजैकुलेशन होने वाला रहता है मेल का तो वो क्या करता है अपने पेनिस को बाहर निकाल लेता है। ठीक है तो उससे क्या होता है इन सब मतलब पेनिस जब बाहर निकल गई तो उससे सीमेन तो उसके वजाइना में रहेगा ही नहीं, तो सीमेन वजाइना में नहीं तो क्या इंसेमिनेशन, सीमेन नहीं जाएगी अंदर अना फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है ये भी क्या है हाईली रिस्क है, मतलब इसका भी ज्यादा ये नहीं है, ठीक है मतलब उतना ज्यादा नहीं है, हाईली फेलोर चांसेस है इसके, ठीक है चांस ऑफ फेलोर हाई है, मतलब ये नेचुरल है तो उतना मतलब कौन कर पाएगा उतना, ठीक है हाई इसका भी फेलोर का चांस क्या है हाई है। ठीक है अब उसके बाद है लैक्टेशन एमेनोरिया, ठीक है ये क्या होता है लैक्टेशन एमेनोरिया बेसिकली होती है जो लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसमें क्या होता है, देखो ये नॉर्मल से आपका क्या है दिस इज हाइपोथैलेमस, ठीक है ये पिट्यूटरी है, ठीक है पिट्यूटरी है एंटीरियर पोस्टीरियर यही है इतना तो पता ही आपको, तो ये क्या है हाइपोथैलेमस हमारा क्या करता है पूरा लिख दूं, ठीक है हाइपोथैलेमस हमारा GnRH हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है GnRH हार्मोन रिलीज करता है तो उससे क्या होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करता है, तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी हमारा LH और FSH सिक्रीट करता है, LH और FSH जो हमारा सिंथेसाइजर सिक्रीट करता है तो वो क्या करता है वो हमारा बेसिकली मेंसुरेशन में हेल्प कराती है। इसमें क्या होता है ये हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी PRL प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कब आती है ये आती है जब हम लेडीज क्या होती है लैक्टेशन पीरियड में है, लैक्टेशन पीरियड का मतलब वो अभी बच्चे को दूध पिला रही है उस पीरियड में है, तो उस पीरियड में है तो ये हार्मोन रिलीज हुई, ये हार्मोन रिलीज हुई जो फॉर्मेशन करता है मिल्क को इन मेमोरी ग्लैंड वो क्या करता है एक इनहिबिन रिलीज करती है, अब वो इनहिबिन जो रिलीज करती है वो क्या करती है वो जाके हाइपोथैलेमस पे अटैक करता है, मतलब उसको इनहिबिट करता है हाइपोथैलेमस को GnRH रिलीज करने से रोकता है, GnRH को रोक दिया रिलीज करने से, पहले ये फंक्शन हो रहा था अब GnRH यहाँ पे 6 महीने तक ही होती है, ठीक है GnRH को रिलीज करने से रोक दिया तो अब जब GnRH ही नहीं है तो आगे जाके आगे एंटीरियर पिट्यूटरी LH और FSH नहीं बनाएगी, तो LH और FSH नहीं बनाएगी तो क्या होगा आपका मेंस्ट्रुएशन होगा ही नहीं, तो इसीलिए 6 महीने तक लैक्टेशन होता है, 6 महीने तक माँ दूध देती है मिड वाले, उसके बाद भी दूध मतलब मिल्क देती है बट उसके पहले वो 6 महीने तक ही एक्टिव होता है, 6 महीने तक होता है और 6 महीने तक मिल्क देती है उतने महीने तक ही रुका रहेगा। ठीक है समझ आ गया आपको कैसे रुका रहता है, ये यही है यही चेन है पूरा, ठीक है ये देख लो फिर उसके बाद मैं इसका पढ़ा देती हूँ, ठीक है ठीक है बेसिकली यही लर्न करना है कि हार्मोन कौन कैसे काम करता है ये वाला याद कर लीजिए। ठीक है देखिए लिखा हुआ क्या है लैक्टेशन एमेनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, देखो इंटेंस लैक्टेशन बोला है इंटेंस लैक्टेशन का मतलब स्टार्टिंग वाले दिन, ठीक है फॉलोइंग पार्चुरेशन जो पार्चुरेशन हुई पार्चुरेशन का मतलब डिलीवरी हुई डिलीवरी के बाद कुछ दिन तक जो लैक्टेशन होगी उस कंडीशन में,
Therefore, as long as the mother feed breastfeeding child is fully and chance of conception is almost nil. बोला जा रहा है कि जब तक मदर है जो बच्चे को दूध पिला रही है 6 महीने तक, तो कौन सा क्या है कॉन्सेप्शन का चांस जो है आपका ऑलमोस्ट नील है, उससे कुछ नहीं होगा. ठीक है. However, the method has been reported to be effectively ओनली अप टू द 6 month. लिखा भी हुआ है कि ये मेथड है जो 6 महीने तक ही ज्यादा मैक्सिमम रेट पे इफेक्टिव है, 6 महीने के बाद ये नहीं हो सकता. ठीक है. यूज दिस मेथड, साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील. इसका चांस क्या है, इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है, ये तो नेचुरल नेचर ही बना रही है ना, नेचुरल उसके बॉडी में ही हो रहा था, इसका क्या है साइड इफेक्ट होगा. साइड इफेक्ट भी नहीं हो रही है और उसके बाद क्या है इसका चांस फेल होने का चांस भी इसका क्या है कम है, फेलोर है इसका कम है. 6 महीने तक तो बिल्कुल कम है ना, क्योंकि नेचर के अंदर ही हो रहा है तो चांसेस इसका कम है, और इसके बाद इसीलिए इसको थोड़ा देर तक यूज किया जाता है. ठीक है. हो गई ये हमारी, हो गई नेचुरल मेथड. ठीक है, नेचुरल मेथड हो गई. अब हमें पढ़ना है बैरियर. ठीक है, चलो यहां तक हो गया, नोट कर लिया. चलो देखो अब है बैरियर मेथड. ठीक है. बैरियर का मतलब क्या होता है, जैसे इस पे जाते हो क्या बोलते हो उसको, रोड वगैरह पे जाते हो तो बैरियर लगती रहती लगा देते हैं ना लोग, या पुलिस वाली बैरियर लगी रहती है, वो बैरियर का मतलब रुकावट, रुकने के लिए. ठीक है. तो बैरियर मेथड क्या है, इन दिस मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर. बोला जा रहा है कि बेसिकली ये ओवम और स्पर्म दोनों को, ये हमारी ओवम हुई ये स्पर्म हुई, दोनों को आपस में मीट नहीं करने देगा, बीच में एक बैरियर लगा देता है. ठीक है, ताकि बेसिकली इसका काम भी क्या है, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना. ठीक है. अब ये क्या है, अवेलेबल फॉर बोथ. ये होता है बैरियर मेथड है जो दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है. उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कि कॉन्डम. ठीक है, ये मेल कॉन्डम है और एक फीमेल कॉन्डम. मेल कॉन्डम को बेसिकली जो कॉन्डम बोलते हैं उसको मेल कॉन्डम बोला जाता है. ठीक है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है ना, फीमेल कॉन्डम मेल कॉन्डम दोनों एक मेल, जैसे एनसीईआरटी में दिखाया हुआ है देखो. हाँ, अगर दिख रहा है तो एनसीईआरटी बुक खोल के देखिए, आपको दिख जाएगा. देखिए, मेल कॉन्डम का एक टिप क्या होता है, क्लोज्ड होती है. देख रहे हैं, एक टिप क्या है, क्लोज्ड है इस साइड वाली, हाँ, और इस साइड ओपन है. फीमेल कॉन्डम की एक इधर वाली, दोनों ये दोनों एक तो कोनिकल जैसे बना हुआ है, क्लोज तो दोनों को होते हैं नहीं तो एंड घुस जाएगा. और फिर ये दो, ये इस साइड टिपिकल टिप जैसा होता है, ट्यूब जैसी, और इसकी जो मतलब पूरा का पूरा स्ट्रेट है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है. ठीक है, वो बस एक ही चीज है डिफरेंस. बॉडी साइज के अकॉर्डिंग बनाई गई है, जिसका जो जैसा स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है. ठीक है, हो गया. तो मेल कॉन्डम को बेसिकली नॉर्मल से कॉन्डम बोलते हो तो उसको मेल कॉन्डम बोलते हैं, फीमेल कॉन्डम को हम बोलते हैं फॉर्म सील्ड. ठीक है, मेल को इससे डिनोट करते हैं, पता है आपको, फीमेल को इससे डिनोट करते हैं, इसको फॉर्म सील्ड. ये जो दोनों है कॉन्डम्स जिसको बोलते हैं वो क्या है, इरिवर्सिबल है. इरिवर्सिबल का मतलब हो गया क्या, ये एक बार यूज हो गया दोबारा यूज नहीं कर सकते हो. ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम एड्स, ये क्या चीज करते हैं, ये प्रिवेंट करता है एड्स एंड एसटीडीज एंड सेल्फ इंसर्टेबल है. ये को मतलब खुद से लगा सकते हो, कि लोगों की प्राइवेसी चाहिए अपनी पर्सनली, कोई थोड़ी ना जाके लगवाएगा. ठीक है, तो ये पर्सनली चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, तो ये खुद से इंसर्ट कर सकते हो, खुद से निकाल सकते हो, इसमें कोई बिग डील नहीं है. और डिस्पोजेबल है, कि इसको बाद में क्या करते हो, आप डस्टबिन में फेंक देते हो, पर वो कूड़ा कबाड़ा में डिस्पोज हो जाता है पूरा एकदम. ये हमारे इन्वायरमेंट में भी खतरा नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बेसिकली ये सब ऐसे पॉलीथिंग्स की बनी होती है, पॉलीथिंग्स एक्सक्यूज मी, पॉलीथिंग्स का मतलब ये नहीं, पॉलीथिन जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना आईए वाला चैप्टर है आपका, पॉलीमर्स, पॉलीमर बहुत तरीके का होता है, तो उसी का एक पॉलीथिंग्स का थीन वाले थीन्स का बना होता है, लेकिन वो डिस्पोजेबल वाले होता है. ठीक है, समझ गया. अब है तीसरा सर्वाइकल कैप, डायफ्राम एंड वॉल्ट. ये तीन चीज भी आती है, एक होती है सर्वाइकल कैप, एक होती है डायफ्राम और एक वाल्ट. ये तीनों क्या होती है, फीमेल के लिए होती है. ये बेसिकली ये रीयूजेबल है, कि एक बार यूज की हटा दिया, फिर दूसरी बार यूज की हटा दिया, ये हो गया. ये क्या करता है, मेडअप होता है थिन रबर का, डेट इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इसको इंसर्ट किया जाता है, टू कवर, क्यों कवर करती है, सर्विक्स, सर्विक्स वाला एरिया को कवर कर देती है ड्यूरिंग क्वार्टर. जब सर्विक्स का एरिया ही कवर्ड हो गई तो स्पर्म ऊपर तो जा ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो. बेसिकली ये सारे जितने भी आपके बैरियर मेथड है ना, वो सारे स्पर्म को ही जाने से रोकता है. ओवम को तो ये फर्टिलाइजेशन ओवुलेशन पे तो कोई असर नहीं कर रही ना, ओवुलेशन पे कौन असर करेगी, केमिकल्स, ये केमिकल तो है नहीं, तो वो बेसिकली सारे के सारे बैरियर है. बैरियर का मतलब है एक जो बाहर से आने वाला, अंदर के लोगों को अगर आप नहीं सुधार सकते हो तो बाहर वाले को ही बंद कर दो. यही ना कि मान लो कि एक पापा है
उसका बेटा बदमाश है, ठीक है, तो अब उसका मतलब बहुत सारे गैंग वैंग के साथ रिलेशन बना लिया वो, तो क्या करेगा वो, कि अगर देखेगा कि बेटा संभल नहीं रहा है तो क्या करेगा, कि लोगों को आने ही नहीं देगा, जो उसका मेन गेट है उस मेन गेट पे ताला लगा के रखेंगे, बाहर वाले को आने नहीं देगा तो अंदर, वो धीरे 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 तो सुधर ही जाएगा, और वो रह के भी क्या कर लेगा अकेले। तो ऐसा ही कहानी है, ओवम आ भी गई वहां पे, लेकिन क्या बोलते हैं स्पर्म आएगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं, मेन काम था इसका फर्टिलाइजेशन रोकना, समझ गए। तो ये तीनों मेथड है, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, ये तीनों क्या है, रीयूजेबल है। सर्वाइकल कैप रबर जैसी बनी होती है, इसमें नहीं दिया है आपको, एनसीईआरटी में इसका फिगर नहीं दिया है, गूगल पे सर्च कर लेना दिख जाएगा। उसके सर्वाइकल कैप एक रबर जैसी होती है, ट्यूब जैसा कैप जैसा बना होता है बेसिकली, और उसके ये तीनों एक ही जैसा मतलब अलग अलग शेप्स के होते हैं, और ये तीनों का बेस मेन काम है कि स्पर्म को ब्लॉक करने के लिए, दे ब्लॉक एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करने के लिए, समझ गया। चलिए सो देख लो, एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं, यही लिखा होगा जो बताया मैंने। चलिए, इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, सही है। दे सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर मेल और फीमेल दोनों, बता दिया मैंने। कॉन्डम आर बैरियर मेड अप ऑफ थीन रबर, रबर का बनाता है, ठीक है, एंड लेटेक्स सीथ डेट आर यूज टू कवर द पेनिस इन द मेल एंड द वेजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल। उसके बाद जस्ट बिफोर क्वार्टर्स टू द ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract, इसका मेन यही काम था। उसके बाद क्या है, they can prevent conception, निरोध, जैसे सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक कॉन्डम का नाम दिया था, गवर्नमेंट मिल देती है इसको, मतलब ये इसका नाम है निरोध, ठीक है, मेल कॉन्डम है, ठीक है, मेल कॉन्डम है निरोध, ठीक है, सरकारी गवर्नमेंट में मतलब गवर्नमेंट इसको सप्लाई की थी। निरोध इज पॉपुलर ब्रांड फॉर कॉन्डम फॉर द मेल, यूज ऑफ कॉन्डम हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर ड्यू टू द एडिशनल बेनिफिट ऑफ द प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रास्टिंग STIs, STDs जिसको बोलते हैं, एंड एड्स। बोला जा रहा है कि कॉन्डम का यूज इतना इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा रिसेंट में बढ़ गया क्योंकि लोगों को जानकारी मिल गई कि कॉन्डम से क्या होता है, आपका बेसिकली STDs वगैरह नहीं होती और एड्स वगैरह नहीं होती, तो लोग ने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम आर डिस्पोजेबल, बोला जा रहा है कि दोनों मेल और फीमेल दोनों कॉन्डम क्या होते हैं, डिस्पोजेबल होती हैं। और उसके बाद क्या है, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, ये खुद से इंसर्ट कर सकते हो, देयर बाय गिविंग प्राइवेसी टू द यूजर, ये कि लोग जो यूज कर रहे हैं उसकी प्राइवेसी में कोई खलल ना डालने के लिए। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट आर ऑल्सो बैरियर मेड अप ऑफ रबर डेट आर इंसर्टेड इन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वार्टर्स। बोला जा रहा है कि डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट ये सब भी है, क्या है, एक रबर का ही बना होता है बेसिकली, ये प्रोडक्टिव ट्रैक को क्या करता है, कवर कर देता है क्वार्टर्स वाले, जैसे मैंने बता दी। इसके क्या है, दे प्रिवेंट द कॉन्सेप्शन ऑफ ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विस। बोला जा रहा है ये क्या कर देता है बेसिकली, एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म को ब्लॉक कर देता है, ना भाई तुझे ना जाना, तू रह जाए यहीं पे, ठीक है। ये क्या है, रियूजेबल है, समझ गए। सो दैट्स इट, हो गई हमारी, हमने नेचुरल मेथड पढ़ लिया, बैरियर मेथड पढ़ लिया, अब क्या है, इसमें थोड़े से केमिकल मेथड है, जेली वगैरह जो होता है वो है, और उसके बाद STD, ये UTIs सबसे बड़ा, ये जो आपका है ना UTI, UTDs जो है, ये वाला थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, डिवाइसेस जो है इंसर्ट करने, ये कल ये पूरा खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए ओके, नोट कर लूंगी। चलो फिर हो गया, दैट्स इट आज के लिए, इतना ही। एग्जाम का डेट आ गया है, रिपोर्ट कार्ड, आपका रिजल्ट भी ये रिजल्ट बोल रही हूँ, एडमिट कार्ड भी आने वाला है, पढ़ाई करिए अच्छे से, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, ओके बाय, टाटा।